मक्का, नो मोर हिजड़ा, नो मोर मीठा, गुड़, पीला, कुछ नहीं। हम लोग भी वुमेन है, स्पेशल वुमेन है। साइड में जय भीम के नारे क्यों लग रहे? जय भीम के नारे इसलिए लग रहे क्योंकि हम लोग जो है एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। तो 2012 में मैंने मतलब पूरा अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था। बाकी मेरे को फिर ये था कि भाड़ में जाए दुनिया, कोई मुझे करे या ना करे। तो मैंने काफ़ी प्राइड्स देखी हैं पहले भी, लेकिन इस बार भीड़ देख के मुझे बहुत खुशी मिली है कि मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। नज़ारा दिल्ली के बारा खंबा रोड का है जहां से ये लोग प्राइड रैली निकाल रहे हैं, LGBT कम्युनिटी के लोग। जी हाँ, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्शुअल नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। आर्टिकल 377 हटने के बाद से ही जो है लगातार ये लोग आज़ादी की मांग करते आए थे और सरकार ने आज़ादी तो दे दी, मगर अब भी इस देश में कहीं ना कहीं वो कुरीतियाँ जो हैं मौजूद हैं कि एक लड़की लड़की से विवाह नहीं कर सकती, एक लड़का लड़के से विवाह नहीं कर सकता। वो चीज़ें जो हैं वो कब नॉर्मलाइज होंगी, ये LGBT कम्युनिटी के लिए एक बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में जो है इस रैली में लोग शामिल होने आए हैं। यहाँ LGBT कम्युनिटी के लोग भी हैं, नॉर्मल लोग भी हैं और हर तरीके के लोग यहाँ मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपका, आपका नाम? हम लोगों, मैं संजना साइमन हूँ और मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, बहुत प्राउड ट्रांस वुमेन हूँ और मैं इस प्राइड में अपनी ट्रांस वुमेन कम्युनिटी को दिखाने आई हूँ। नो मोर छक्का, नो मोर हिजड़ा, नो मोर मीठा, गुड़, पीला, कुछ नहीं। हम लोग भी वुमेन है, स्पेशल वुमेन है और मेरे साथ ही मेरी सारी ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन आई हुई हैं। सो वी आर सो हैप्पी, प्राइड ने हमें मौका दिया है अपने आप को जैसे हम हैं वैसे रिप्रेजेंट करने का, अस्तित्व रखने का, हमारा अस्तित्व रखने का। और हम एक जिंदा लाश बन के जो जी रहे थे आज तक, अब वो जिंदा लाश की शायद कब्र से हम बाहर निकल के आए हैं और आज से हमारी जिंदगी शुरू हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है हमारा इंडिपेंडेंस तो यही है, आज तक तो हम इंडिपेंडेंट थे ही नहीं, आज लग रहा है कि हम भी आज़ाद है, आज़ाद भारत में है और ये इंडिपेंडेंस है हमारे लिए। जो जी, ये जो डिफरेंट कलर्स के बलून दिख रहे हैं, डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ये LGBTQAI++ चल रहे हैं बिकॉज हम सब यूनाइटेड है, हम सब एक है। और प्लीज़ अब डिस्क्रिमिनेशन मत करिए बिकॉज वी आर ऑल्सो गुड सोल, हम भी गुड ह्यूमन बींग है, वी आर एजुकेटेड, वी आर वर्किंग नाइसली, सो वॉट इज लैकिंग इन आर सेल्फ, नथिंग। प्लीज चेंज योर मेंटालिटी एंड गिव अस फ्रीडम। यस, वी डिमांड फॉर फ्रीडम। ऐसे नज़ारे मैम पहले फॉरेन कंट्रीज से आते थे, अब आप भारत में भी इस तरीके की चीज़ों का लाभ उठा पा रही हैं, प्राइड रैली में शामिल हो पा रही हैं, कैसा लग रहा है? भारत हमारा जो पौराणिक संस्कृति है उसमें पहले से ही हम लोगों को बहुत सारी यू नो चांसेस मिले हुए थे। अगर हमारे शास्त्र पढ़ते हैं तो किन्नर तो वहाँ भी थे, नर नारी और अर्धनारीश्वर वहाँ भी थे, लेकिन लोगों ने हमारी उपयोगिता ना समझते हुए हमें बहुत डिस्क्रिमिनेट करा। ये जो दुनिया है ना बहुत लालची है, ये सोचती है जो पेड़ फल दे रहा है उसको पानी दो, जो नहीं दे रहा है उसको हटा दो। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार की प्राइड में जय भीम के नारे क्यों लग रहे? जय भीम के नारे इसलिए लग रहे क्योंकि हम लोग जो है एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, हम लोग जो है अंडर प्रिविलेज्ड थे और अब हम लोग अपलिफ्टमेंट को चाहते हैं, तो जय भीम ही बोलेंगे क्योंकि जय भीम ने भी हमारे साथ में यही किया था। अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को अब प्रिविलेज की जरूरत है। संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं आप? संविधान में हम लोग भरोसा रखते हैं, संविधान हमारे भारत देश की आत्मा है और संविधान की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना इक्वालिटी, उसको शायद हम इंडियंस भूल चुके हैं। ये जो प्राइड हो रही है ये उस बात को रियलाइज कराने के लिए है कि रिस्पेक्ट इक्वालिटी, द सेंस ऑफ इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी इज एक्चुअली द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा।